गुरुवार सुबह पर्यटक बड़ी उत्सुकता के साथ मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो ताजमहल के प्रवेश के लिए ऑफलाइन टिकट विंडो पर टिकट खरीदने पहुंचे तो पता चला ऑफलाइन टिकट विंडो का सर्वर पूरी तरह से डाउन है। पर्यटक सर्वर ठीक होने का इंतजार करते रहे, लेकिन समय बीतता गया और लाइन भी अच्छी खासी लंबी हो गई, लेकिन ऑफलाइन टिकट विंडो का सर्वर अभी तक ठीक नहीं हुआ। मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने के लिए काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन टिकट भी ले ली, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन टिकट के साथ QR कोड स्कैन करने के लिए पहुंचे, उनकी टिकट का QR कोड भी स्कैन नहीं हुआ। उन्हें पता चला कि नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई है। इसके चलते पर्यटक और ज़्यादा परेशान हो गए। ऑफलाइन टिकट तो मिल नहीं रही थी, अब ऑनलाइन टिकट वही काम नहीं कर रही। कई घंटे बीत जाने के बाद भी ऑफलाइन टिकट विंडो का सर्वर ठीक न होने पर पर्यटकों का आक्रोश बढ़ने लगा। सूचना पर ASI अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों ने तुरंत टेक्निकल टीम को मौके पर भेजा और समस्या का निस्तारण करने में टीम जुट गई, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। ASI अधिकारियों का कहना है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट आया है, जिसके सुधार के लिए इंजीनियर्स की टीम काम कर रही है। ऑफलाइन टिकट विंडो का सर्वर लगभग 3 घंटे से अधिक समय से डाउन चल रहा है। वहीं ऑनलाइन टिकट खरीदने पर QR कोड स्कैनिंग में नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, जिसके चलते पर्यटकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी और उसके ऊपर ताज के दीदार के लिए लंबी लाइन पर्यटकों में आक्रोश बढ़ा रही थी। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगर आपको तो ऐसी ही खबरों से तरोताजा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द नेटगन न्यूज को जरूर देखें, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।